जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर धरती पर लगातार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती रही तो एक समय ऐसा भी आएगा जब धरती पर एक भी पेड़ का नामो निशान नहीं होगा और पेड़ों के न होने से हवा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। फिर बिना हवा के मानव या कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। इसी को देखते हुए आज संस्कार पब्लिक स्कूल ने सिंगोला गाँव में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा। इसी के माध्यम से सभी बच्चों ने अपने माता पिता व सभी सिंगोला के लोगों को यह शिक्षा दी कि सब अपने घर में एक पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं। और इसी के साथ साथ बच्चों ने यह भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह भी बातें लोगों के सामने रखी कि बेटी भी बेटे से कम नहीं होती और जीवन में जल को कैसे बचाएं। बच्चों ने इसके बारे में भी बताया और इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में अलीपुर की निगम पार्षद निशा मान, संस्कार स्कूल की प्रिंसिपल सपना शर्मा, स्कूल के टीचर्स वैशाली, सविता, मनीषा, सोनू, खुशबू, अंजलि, ये सब उपस्थित रहे। जीवन की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, इसलिए हम सबको अपनी धरती और इस पर्यावरण के प्रति हमेशा ही जागरूक होना चाहिए और हमेशा जीवन में जुड़ी हुई हवा, पानी और प्राकृतिक वस्तुओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए, जिससे आप लोग भी अपनी इस धरती की रक्षा के लिए जागरूक हो सके। हम लोग पर्यावरण मंत्रालय के एनविस सेंटर से जुड़े हुए हैं। 7 एनविस सेंटर हैं दिल्ली में, जिनको गांव के पर्यावरण और बाकी सामाजिक एस्पेक्ट्स को देखने के लिए हमें किया गया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो 3 गांव के साथ हम लोग अभी जुड़े हुए हैं, वहाँ हमें सबसे सहयोग मिल रहा है। जो काउंसिलर मैडम हैं और जितने भी लोग प्रतिनिधि हैं और गाँववासियाँ हैं, तो उन और हम इनके साथ, जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये गांव 200 साल से भी ऊपर पुराने हैं। अगर दिल्ली का नक्शा देखा जाए 1808 का, वहाँ भी ये 3 गांव के नाम हैं। ये गांव ना तो हमारे यहाँ के संस्कृति के धरोहर हैं, पर्यावरण के भी धरोहर हैं। कई साल पहले सिंगोला धीरपुर के पास से जमुना नदी निकलती थी, नक्शों से हमें ये पता चला। यहाँ का जो भू जल है और यहाँ के जो वृक्ष हैं, और अभी खेती कम होती जा रही है, लेकिन जो भी पर्यावरण के जल और वृक्ष की धरोहर इन गांव में है, ये पूजनीय है। हमें इनको इस शहरीकरण के बीच में खोना नहीं है। तो पर मंत्रालय और हम सबका ये वो है कि पर्यावरण स्वस्थ रहे, गांववासी स्वस्थ रहे और शहर भी स्वस्थ। आपने किस संस्था के साथ मिलकर प्रोग्राम किया है ये? हम लोग पर्यावरण मंत्रालय, और वैसे मैं प्राध्यापिका हूँ योजना एवं वास्तुकला विद्यालय के। तो हम लोग सब जितने भी 7 एनविस सेंटर हैं, अपने अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से गांव में वो कर रहे हैं। जैसे सुलभ है, वो स्वास्थ्य के लिए देख रहा है। टेरी एनविस है, वो क्लीन एनर्जी को देख रहा है। फिर WWF है, वो पूरा सर्वे कर रहा है यहाँ के हैबिटेशन, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। तो कई मुद्दों पे हम लोग मिलजुल के यहाँ काम कर रहे हैं। आज जिस संस्था के साथ आपने काम किया है, ये हम लोग सबसे ज़्यादा आभारी है संस्कार स्कूल। इन्हें एक बार हम लोग ने कांटेक्ट किया, इन्होंने इतने अच्छे से, और जो मेरे ख्याल से आगे आने की पीढ़ियाँ, जो बच्चों के हाथ जो आगे ले जाने संस्कार हैं, उसका मैं इनको जितना बोलूं वो कम होगा, क्योंकि बच्चों के साथ और बच्चों के अंदर जो भावना वो करना है, ये आप टीचरों का ही काम है, जिसके लिए इन्होंने आज बहुत अच्छे से ये किया।